सलाम वालेकुम, नमस्कार भाई लोग। मेरे को एक चीज आप लोगों से पूछना है। ये आजकल मैं बड़ा देख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा अपने मुस्लिम कम्युनिटी में जो है ये वीडियो डाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में और उर्दू में तो ये कभी नहीं लिखा गया कि गाली गलौज या अपशब्द का इस्तेमाल करिए। आप लोग एक गेम प्लान के तहत फंस रहे हैं। ये जो राजा है, ये MLA है, और ये इन सबको बोला जाता है ये सब करने के लिए, और ये सब करने के लिए आप फिर इनके खिलाफ आप लोग बोलते हैं। जितने भी मुसलमान भाई हैं अपने वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो डाल के वो शेयरिंग हो रही है, ये बड़गड़ाने वाली बातें हैं। ये मुस्लिम धर्म को गलत है और आप लोग इनके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। ये बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चली जा रही है। और एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि आप लोग अभी दिल्ली में वहां पे था कि एक कोई आदमी था जिसने कहा था कि असदुद्दीन साहब के वहां पे घर पे आके उनको भारत माता की जय बुलवाएंगे। ये सब एक राजनीति की चालें चल रही हैं जिसमें आप लोग फंस रहे हैं। क्योंकि आखिरी में ये होगा, अगर कोई भी मुसलमान ने अगर कोई गलती कर दी तो उसको पूरे मुसलमान कौम को देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। हिंदुओं को नहीं करेंगे देशद्रोही साबित, तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पे अनुपम खेर टाइप लोग बैठे हैं। तो आप लोग एक चीज का ख्याल करिए, मेरी गुजारिश है सारे मुसलमान भाइयों से, ये चक्रव्यूह में मत अटकिए। अगर कुत्ते भौंकते हैं तो अपन कुत्ते को जाके काटने की कोशिश नहीं करते। कोई कुत्ता अगर आपको काटता है तो आपके आपका जो उर्दू एक बहुत ही मीठी जबान है, एक इस्लाम धर्म में कभी नहीं लिखा गया गाली गलौज करा जाए। राजा जैसे लोग ये बोलते रहेंगे और इनके चक्रों में आप लोग नहीं फंसिए। ये एक बहुत ही भयंकर राजनीति चाल है 2019 के लिए। और असदुद्दीन साहब से भी मैं कहूंगा कि असदुद्दीन साहब, आप भी ये सब बातें ना करिए जिससे अपनी कौम जो है, जो मुस्लिम कौम है, वो थोड़ी सी बड़गड़ा जाए। उनको वो आपकी बातें, आपके फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा, तो आप कुछ भी बोलते हैं तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, बहुत बड़ा गेम खेला चला जा रहा है। और आखिरी में ये बात का आप लोग ध्यान रखिए कि इसके अंदर अगर कोई भी गलती कर दी मुस्लिम ने तो उसके अंदर देशद्रोही आप लोगों को ही बोला जाएगा। तो राजा जैसे आदमी और इन लोगों के आदमी के कोई रिएक्ट करने की जरूरत है नहीं। मतलब मेरे हिसाब से मोहब्बत के दंगे एक अच्छी मुहिम चल रही है, उसमें जुड़िए, उसके लिए वीडियोज डालिए। वही एक कड़ी है, मैं हरदम बोलते जा रहा हूँ, आपसी आपसी कम्युनल हारमोनी रखने के लिए, आपसी भाईचारा रखने के लिए वही एक कड़ी है, उसमें आप लोग जुड़िए। अभी रफीक भाई ने बम्बई में करा, अभी सिवान में, लखनऊ में, मुजफ्फरनगर की बातचीत चली रही है। हमें थोड़ी तकलीफ हो रही है वहां पे, मगर वो भी हो जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है मुस्लिम भाइयों से कि ऐसे वीडियो नहीं डालिए, गाली गलौज अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करिए प्लीज। इसमें सब तकलीफ में आ जाएंगे। मैं एक हिंदू हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो अपने राजा जैसे आदमियों की तरफ ध्यान नहीं दीजिए आप लोग, ये आप लोगों को एक बहुत बड़े राजनीति चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। ये बात का ध्यान रखिए। आज की तारीख जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखिएगा, और ये आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि इसका नुकसान कितना हुआ मुस्लिम्स को इंडिया में। हिंदूज को हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता, मगर मुस्लिम्स को कितना हुआ। तो इट्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम मी, प्लीज प्लीज ऐसे वीडियो मत डालिए। आप लोगों की जबान बहुत मीठी जबान है उर्दू जबान, अपन उसी को पकड़ के चलेंगे। अगर बात करनी है तो अच्छे शब्दों में बात करिए, उनको समझाइए राजा को कि ऐसी चीजें ना। पहले वो मिथिलेश तिवारी का आया था, बड़ा हल्ला हुआ था, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर पाया। सारे हल्ला हुआ है मिथिलेश तिवारी को मार देंगे, कुछ नहीं। ये सारे के सारे ऊपर एक रहनुमा बैठे हैं जो इनको बोलते हैं, ये एजेंट है इनके लिए बोलने के लिए कि आप लोग ऐसी चीज बोल दीजिए जिससे मुस्लिम भी बड़गड़ा जाए। और वो उसमें बड़गड़ा के अपने वीडियो डालने लग जाते हैं। तो वीडियो डालने से कुछ नहीं होता, और भी लोग बड़गड़ा जाएंगे, वो भी वीडियो डालेंगे। तो सारा का सारा ये ऐसा कॉकटेल बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा कि इससे फिर निकल नहीं पाएंगे। ये जो अपने मुस्लिम कम्युनिटी निकल नहीं पाएगी, और देशद्रोही एक गलती में सारे मुस्लिम्स को देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, गाली गलौज मत कर दिए। इस्लाम धर्म में कभी नहीं कहा गया है गाली गलौज। अगर कुत्ता काटता है तो अपन कुत्ते को काटने नहीं जाते हैं, ये बात का ध्यान रखिए। और मोहब्बत के दंगे परिवार से जुड़िए, यही एक कड़ी है। आप लोग जैसे बोलेंगे हम लोग वैसे करने को ट्राई करेंगे अगर वो हो सका, मगर गाली गलौज की वीडियो मत डाल दीजिए। मैं जितने भी यंग मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी तरफ से और मोहब्बत के दंगे परिवार से, प्लीज उर्दू मीठी लैंग्वेज है, उसको मीठा ही रहने दीजिए, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। दिलीप कुमार साहब हैं, यूसुफ खान साहब, उनको कभी सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उर्दू में कितनी मिठास है। तो मीठे से, भाईचारे से, दोस्ती से सब चीजें सॉल्व हो जाएगी, गाली गलौज से नहीं होगी। थैंक यू सो मच।